बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी पिक्चर पर ब्रोकन ग्लास का इफेक्ट कैसे प्लेस करते हैं और साथ में ही कि रैन इफेक्ट इमेज पर कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले डाव फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। इसके बाद फाइल से वो इमेज ओपन करते हैं जिस पे हमने इफेक्ट डालना है। तो ये हम एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इंटरनेट से ब्रोकन ग्लास का कोई पिक्चर इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रोकन ग्लास। तो यहाँ पे एमजीत पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपको जो भी पसंद आता है वो आप डाउनलोड कर लें। तो मैंने ऑलरेडी कुछ इफेक्ट्स डाउनलोड किए हुए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनमें से मैं एक ये वाला इफेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पिक्चर पे। तो इसको मैं ड्रैग करके ले जाऊंगा, डार्क फोटोशॉप है और जो इमेज हमने ओपन की होगी उस पर जाके मैं प्लेस कर दूंगा। इसके बाद शिफ्ट ऑल्ट से मैं इसको बड़ा करूंगा। इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करके ये जो आपको नॉर्मल नजर आ रहा है इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है ये इस पे इमेज पे आ गया है। इस तरह आप किसी भी पिक्चर पे ब्रोकन ग्लास का इफेक्ट डाल सकते हैं। तो दूसरी बात मैंने की थी कि हम के रैन का इफेक्ट कैसे किसी पिक्चर पे डालेंगे, उसके लिए मैं एक पहले इस पिक्चर को सेव कर लेते हैं। ये पिक्चर सेव हो गई है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो नई पिक्चर एक ओपन कर लेता हूँ जिस पे हमने रैन का इफेक्ट डालना है। रैन के इफेक्ट के लिए ये मैं एक लड़की की पिक्चर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं वापस जाऊँगा इस रैन इफेक्ट पे। इसको मैं ड्रैग करके उस इमेज पर ले जाऊंगा। सॉरी, शिफ्ट ऑल्ट से मैं इसको बड़ा करूंगा ताकि ये बराबर हो। ओके कर दूंगा। इसी तरह मैं दोबारा नॉर्मल पे क्लिक करके लेयर में से स्क्रीन कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह ये इमेज का जो इमेज पर जो रैन का इफेक्ट है ये आ गया। इस अब हम इसी इमेज को सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो हमने पिक्चर एडिट की हैं दो जिन पर हमने इफेक्ट डाला है, एक तो ये पिक्चर थी और दूसरी ये पिक्चर थी। तो आप इस तरह अपनी मर्जी के इफेक्ट्स अपनी पिक्चर पर डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें
मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।